Vinesh Fogar's journey spans from the wrestling mat to the political arena. She battled heartbreak, stood up for justice, and is now a newly elected leader. This is the story of her transition from athlete to legislator. If resolve had a face, it would be Vinesh Fogar. From losing her father at 9 to fighting for a place in a male-dominated sport, Vinesh's journey was never easy. Wrestling gave Vinesh solace, but the sport itself was very harsh. Despite injuries and setbacks, she rose to become one of India's finest athletes. Before entering politics, Vinesh had already become a fierce voice for justice, taking a stand against the Wrestling Federation. The Olympics, however, remained a dream that fate cruelly took away, not once, but twice. Vinesh Fogar announced retirement after her heartbreaking disqualification from Paris Olympics, saying she doesn't have the strength to continue. बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे, तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। लगभग 2 वर्ष पहले एक षड्यंत्र इन खिलाड़ियों ने 18 जनवरी को किया था। जनवरी आने पर 2 वर्ष पूरा हो जाएगा। और उस समय जिस दिन ये षड्यंत्र हुआ था, उसी दिन मैंने कहा था ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, इसमें कांग्रेस शामिल है, दीपेंद्र हुड्डा शामिल है, भूपेंद्र हुड्डा शामिल है। ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। और आज लगभग 2.25 साल के ड्रामे के बाद कल ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि इस पूरे आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ था। From wrestling on the mat to wrestling with politics, Vinesh took her fight to a new arena. फोगाट ने राजनीति ज्वाइन की है और कांग्रेस से जुलाना से टिकट भी मिला, तो क्या कहेंगे? देखिए, मेरी अपनी जो सोच थी, मेरी जो 140 करोड़ भारतवासियों की जो खास उम्मीद थी कि विनेश दोबारा जो है मैट पर आए और जो 2028 के लिए जो है ना गोल्ड मेडल एक हिंदुस्तान को ले आकर दे, सभी की आस थी और मेरी भी विचार थे, आस थी। लेकिन जो उसने जो ये स्टैंड लिया, तो कुछ जो बात आई बब्बर भूषण ऐसे बोले अब ये चुनाव के पहले, लेकिन कोई मनसा नहीं थी इसकी चुनाव की, ना इच्छुक थी। लेकिन बाद में 2-4 दिन 5 दिन पहले जो ये स्थानीय हुई थी, तो चलो उसका युवा है, बच्चे हैं, वो अपना खुद डिसीजन लेते हैं। लेकिन मेरी तो ये आस होनी थी 2028 में जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले और देश का नाम रोशन करो, एक इतिहास रचे। हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार को लाना और जुलाना से हमारी बहन विनेश फोगाट को ऐतिहासिक बड़ी बड़ी जीत दिलाना है, तो जुलाना वालों ने भी ठान लिया, छत्तीस बिरादरी ने ठान लिया और हरियाणा वालों ने। कुछ नहीं थी, लोगों का प्यार प्रेम था और लोगों की लड़ाई थी, लोगों ने जीती है। हमारा तो बस ठीक है, हमारा चेहरा था, लेकिन लोगों ने जो प्यार विश्वास दिलाया है वो 5 साल तक हम कायम रखने की कोशिश करेंगे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। Her tenacity paid off as she won the Julana seat, overcoming political odds and fierce competition. From Olympic heartbreak to political victory, Vinesh Fogar's story is one of resilience, grit and determination.